वेलकम स्टूडेंट, मैं संगीता शर्मा आज आपको हिंदी फर्स्ट में लेसन 4 पढ़ाने जा रही हूँ, क्योंकि लेसन 3 तक मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। लेसन 4 है ईदगाह। ईदगाह जैसा कि नाम से पता, ईद के प्रति ईद में लगने वाला मेला। तो जैसे आज ईद भी है और ईद के दिन ही मैं आपको ये लेसन पढ़ा रही हूँ, तो 30 रोज़ों के बाद ईद आती है और ईद के दिन मुसलमान भाई बहनों में, बच्चों में, बड़ों में, बूढ़ों में ईद के मेले जाने की बहुत ही उत्साह होता है। जैसा कि यहाँ आप हो सकता है आप लोगों के पास, जहाँ तक मैं समझती हूँ, किताबें आ गई होंगी और किताबों में आप ये लाइनें पढ़ेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा जो मैं समझा रही हूँ, कि सभी बच्चों को और बड़े बूढ़े खुश हैं ईद के मेले में जाने के लिए। सब अपने अपने काम जल्दी जल्दी निपटा रहे हैं। क्यों निपटा रहे हैं? कि 3 कोस का मैदान पैदल जाने का रास्ता है, लौटते हुए शाम हो जाएगी, इसलिए जल्दी जल्दी अपना अपना सब काम निपटा कर मेले जाने की तैयारी कर रहे हैं, ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं। बच्चे अपने जेब में पैसे भरकर, ऐसे लग रहा है जैसे उनको खजाना मिल गया, उस खजाने को लुटाने के लिए वो मरे जा रहे हैं और ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं एक बच्चा है हामिद, जो गरीब बच्चा है जिसके पास पैसे तक नहीं है, ढंग के खाने पीने के, पहनने के कपड़े नहीं हैं, फिर भी वो खुश है, क्योंकि खुश है, वो भी ईद में जाने खुश है। हामिद के पिता की पिछले साल मृत्यु हो गई थी अजय से, और थोड़े दिनों बाद उसकी माता की मृत्यु हो गई थी। वो अपनी दादी अमीना के साथ रहता है और वो सोचता है कि उसके अब्बा जो हैं उसके पिताजी जो हैं भगवान के घर गए, अल्लाह मियाँ के घर गए हैं, वहाँ से पैसे लाएंगे, पैसे के थैले लाएंगे, अम्मी बड़ी बड़ी चीज़ें लाएंगी, और इसी सोच में वो बहुत खुश है। लेकिन जो उसकी दादी है वो बहुत दुखी है कि ईद का घर, हमारे घर में कोई काम नहीं, हम गरीबों को यहाँ ईद की कोई ज़रूरत नहीं, हम कहाँ से ईद के मना सकते हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। उनके पास केवल 3 आने थे, उन 3 आनों में उन्होंने क्या किया, फिर जो हामिद था, हामिद अपने दोस्तों के साथ वो भी मेले जाने के लिए कहता है अम्मा से, तो अम्मा कहती है, डरती है कि सब बच्चे तो अपने अपने माँ बाप के साथ जाएँ, अपने पिता के साथ जाएंगे, लेकिन हामिद का तो कोई भी नहीं है, जाएगा किसके साथ, और फिर उसके पैरों में जूते भी नहीं है, उसके पैर में छाले पड़ जाएंगे तो कैसे होगा। फिर भी वो उसे 3 पैसे देती है, उसके पास 3 उसके पास कुल 2 आने पैसे बचे थे, जिसमें से वो 3 आने पैसे 3 पैसे अपने हामिद को देती है और 2 आने अपने बटुए में रखती है, और वो 3 पैसे लेकर वो हामिद जो है मेले की तरफ चल देता है। वहाँ मेले में सबकी ईदगाह पर नज़र जाती है, ऊपर इमली के पेड़ की छाया है, नीचे पक्का फर्श है, वहाँ पर सब लोग इकट्ठे एक पंक्ति में होकर जाजिम बिछी, यानी सबके लिए नमाज पढ़ने के लिए चटाइयाँ बिछी, चटाइयों पर सब एक साथ छोटे बड़े खड़े होते हैं, बैठते हैं और एक साथ नमाज अदा करते हैं, सजदे में सबके एक साथ सर झुकते हैं, उठते हैं, और नमाज अदा करने के बाद सब लोग अपनी अपनी पंक्तियों में खड़े होते हैं, और फिर उसके बाद सब आपस में ईद नमाज ख़त्म हो जाती है और लोग आपस में गले मिलते हैं। अब मिठाई खिलौनों की दुकानों पर सब लोग धावा बोलते हैं, बच्चे तो बच्चे, बड़े भी जो हैं कम उत्साही नहीं है मिठाइयाँ आदि लेने के लिए। हिंडोला है, पैसा देकर कोई इस पर चढ़ रहा है, कोई घोड़े की, कोई ऊँट की, कोई हाथी की सवारी कर रहा है, बच्चे मैसून, मोहसिन, नूरे, अम्मी, सम्मी, इन घोड़ों को ऊँटों पर बैठते हैं, लेकिन हामिद दूर खड़ा है। क्यों? 3 पैसे ही हैं उसके पास, अपने कोष का यानी अपने पैसों का एक हिस्सा वो क्यों ख़त्म करे ज़रा से खेल के लिए। सब चरखियों से उतरते हैं बिस्ती, फिर सब खिलौने खरीदने के जाते हैं। वहाँ पर महमूद जो है सिपाही लेता है, और उसके बाद हामिद क्या मोहसिन लेता है, बिस्ती लेता है, और मशक का मुँह हाथ में पकड़ा हुआ बिस्ती ने कोई गीत गा रहा है, और नूरे जो है वकील लेता है। तीनों ये सब लेकर सब आगे बढ़ते हैं, और लेकिन फिर भी जो हमारा हामिद है वो कुछ नहीं लेता है, वो फिर भी कहता है कि खिलौने मिट्टी के, वो अपने दिल को कैसे तसल्ली देता है कि खिलौने मिट्टी के हैं, जरा सी देर में टूट जाएंगे, इनके पानी को ही डाल दे तो इनके रंग छूट जाएंगे, मैं इतने से मज़े के लिए अपने पैसे का एक कोष खर्च नहीं करूँगा। खिलौने के बाद मिठाइयों की दुकानें आती हैं, किसी ने रेवड़ी, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोन हलवा, पर अभागे के पास 3 ही पैसे, हामिद बिरादरी से अलग है। क्यों? क्योंकि उसके पास 3 ही पैसे हैं। क्यों नहीं कुछ लेकर वो खाता पीता, ललचाई आंखों से सबकी तरह वो भी देखता है, लेकिन लेता नहीं है। अब इस का अगला हिस्सा मैं कल पढ़ाऊंगी आपको।